सतलुज आश्रम सोजत संत रामपाल जी के दहेज मुक्त अभियान में एक विदेशी जोड़े फिजी आइलैंड ने रमेणी विवाह किया। न्यूज ज्योति पत्रिका संवाददाता ओपाराम खोड। संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय देसी घी का विशाल महाभंडारा सतलुज आश्रम सोजत जिला पाली में संपन्न हुआ। इस भंडारे की खास बात यह है कि 3 दिवसीय संत गरीबदास जी महाराज की वाणी का अखंड पाठ किया गया। भंडारे में देश विदेश और पूरे भारतवर्ष से हजारों श्रद्धालु पहुंचे हैं। इस समागम में सतलुज आश्रम सोजत में संत रामपाल जी के दहेज मुक्त अभियान के तहत 15 युवा और युवतियों ने दहेज रहित रमेणी विवाह, जिसे आदर्श विवाह भी कहा जाता है, एक विदेशी जोड़े ने भी रमेणी विवाह किया। यह विदेशी जोड़ा फिजी आइलैंड से राजस्थान सतलुज आश्रम में पहुंचा। वर्तमान समय में सतलुज आश्रम सोजत की एक पहचान बन चुकी है कि यहाँ बिना किसी आडंबर, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी दिखावे के शादियां हो रही हैं। उसी क्रम के अंदर इसी भंडारे के अंदर 15 जोड़ों का दहेज रहित विवाह संपन्न हुआ। मानवता की मिसाल पेश करते हुए संत रामपाल जी के भक्तों ने रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया, जिसमें अनुयायियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लेते हुए और 82 अनुयायियों ने देहदान के फॉर्म भरे। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी समाज हित में भी अग्रणी होकर सामाजिक कार्य बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। संत रामपाल जी के अनुयायियों ने बताया कि 4 मार्च को संत गरीबदास महाराज का बोध दिवस मनाया गया है। संत गरीबदास जी महाराज ने कबीर साहिब से नाम उपदेश लिया, उसी दिन को हम बोध दिवस के रूप में मनाते हैं और उसी के उपलक्ष्य में यह 3 दिवसीय भंडारा आयोजित हुआ है। वहीं इस 3 दिवसीय महाभंडारे में देश विदेश से लाखों लोग शामिल हुए। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 4 मार्च को महाभंडारे का समापन हुआ है।